the viewers. This is Professor Kapil Kaur from PG Department of Computer Science and IT, Dhaka College, London. In this video, we are discuss about MIS. So let's start with MIS. So what is MIS? MIS stands for the Management Information System. ये कैसा system है जो computer based है और इसमें क्या होता है हम data लेते हैं उसको process करते हैं और जब वो information में convert होता है तो हम उसको disseminate करते हैं to the other departments in an organization. जो क्या करता है हमें decision लेने में help करता है जो further आगे हमें हमारे goals achieve करने में help करता है. In short हम ये कह सकते हैं MIS हमें accurate और सही time पे information provide करता है और secondly ये हमारे managers को decision लेने में support करता है. The next is what does MIS mean? Basically MIS is a combination of three words that is management, information and system. So next question is what is management? बेसिकली मैनेजमेंट सेट ऑफ फंक्शंस होती हैं. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये क्या करते हैं हमारे काम को बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव कर देते हैं. एफिशिएंट मींस कि सही समय पे और सही तरीके से करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड इफेक्टिव कि ये हमें काम को इस तरीके से करना बताते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो कम से कम आए दैट इज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. दैट मींस कि मैनेजमेंट एक कला है जिसमें हम अपना काम किसी दूसरे से कैसे करवाना है उसके बारे में देखते हैं विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही तीन मैनेजमेंट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें होती है टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल. तो हर मैनेजमेंट अपने हिसाब से काम करती है और डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है फ्रॉम वन मैनेजमेंट टू अनदर मैनेजमेंट सो दैट कि हम कॉमनली अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके. द नेक्स्ट इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती हैं सो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डेटा. डेटा क्या होती है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं. ये बेसिकली डिसीजन लेने में हमें हेल्प नहीं करते लेकिन ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होते हैं और जब हम इनको प्रोसेस करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं इंफॉर्मेशन. ये हमें वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पर्पज़ के लिए वैल्यूएबल होता है. सो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डेटा होती है जिस जो हम डेटा रिसीव करते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसको वेरियस पर्पसेस के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं डिसेमिनेट करते हैं. द नेक्स्ट इज सिस्टम. अब सिस्टम क्या है. सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है जो क्या करता है हमें हेल्प करता है हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को फुलफिल करने के लिए. ये ग्रीक वर्ड सिस्टमा से बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम का काम है क्या. उसने इनपुट लेना है उसको प्रोसेस करना है देन आउटपुट देनी है. तो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हमें उसके कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि CPU, अ डेस्क, अ मेमोरी, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड अ प्रिंटर. तो ये जब कलेक्टिवली काम करते हैं तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज रोल ऑफ MIS इन ऑर्गेनाइजेशन. MIS ऑर्गेनाइजेशन का एक हार्ट होता है जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है उसी तरह MIS ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट होता है जो उसको जो इंफॉर्मेशन लेके डिसेमिनेट करता है टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. द नेक्स्ट इज अब इस डायग्राम में क्या है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और पीपल जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटररिलेटेड है इंटरडिपेंडेंट है और वो क्या करते हैं डेटा को प्रोसेस करते हैं
और रिपोर्ट जनरेट करते हैं, फिर ये रिपोर्ट आगे का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाती है। ये देखने में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की होती हैं, लेकिन ये आपस में एक साइकिल में सर्कुलेट होती हैं। तो एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट या एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है। ये डेटा हम वेरियस रिसोर्सेज से और सोर्सेज से लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, देन फर्दर उसको उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। ये हमारी किसी इंडिविजुअल की, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की और टॉप लेवल मैनेजमेंट की नीड्स को फुलफिल करती हैं। द नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ MIS। किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे पास MIS में 5 फंक्शंस हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फर्स्ट वी हैव अ प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में हम पहले से ही डिसाइड करते हैं, दैट ये प्री डिसाइडेड होती हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। अगर हमारे पास प्लान नहीं है किसी काम को करने के लिए तो हमारा टाइम और मनी वेस्टेज ही होगा। सो किसी भी काम को करने के लिए उससे पहले प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा और क्यों करेगा। और हमें प्लानिंग में अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने होते हैं, हमें अपनी पॉलिसीज बनानी होती है, प्रोसीजर्स, बजट, स्ट्रेटजीज, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और प्लान को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करनी होती है वो सारा इसमें कंसीडर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप पे जाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, हमारे पास कितना फंड है, कितने बच्चे जाएंगे, कितना खर्चा होगा। तो ये सारी क्या होती हैं, प्लानिंग होती है, प्री प्लान होता है। अगर हम इसको प्लान नहीं करेंगे तो हमारा जो गोल है वो अल्टीमेटली फुलफिल नहीं होगा। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं पूरी जॉब्स को कि हमारे पास कैसी कैसी तरह की जॉब्स हैं, और उन जॉब्स को हम सब टास्क में डिवाइड करते हैं और इन सब टास्क को फिर हम ग्रुप्स में एलोकेट करते हैं। प्रॉपर अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको ऑपरेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं और गोल्स के बारे में उनको बताया जाता है। द नेक्स्ट इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है कि किस पर्सन को कौन सा काम दिया जाए, दैट इज़ अ राइट पर्सन एट द राइट जॉब। उस पर्सन को ही वो काम दिया जाए जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनली भी स्टाफ लेते हैं और एक्सटर्नली भी। इंटरनली में हम प्रमोशंस दे देते हैं कि कोई एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं तो हम उनको उनकी प्रमोशन कर देते हैं। देन एक्सटर्नल में क्या होगा कि एड से इंटरव्यू कंडक्ट हुए तो वहाँ से हम स्टाफ मेंबर्स लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि कौन सा पर्सन किस जॉब के लिए, किस पोजीशन के लिए सूटेबल है। फिर हम उनकी ट्रेनिंग का भी ध्यान रखते हैं कि उनके पास जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है, उनको ट्रेन करना, उनकी डेवलपमेंट करनी, सो दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करने में प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या है, हमने यहाँ पे कमांड्स इशू करनी होती हैं और कम्युनिकेशन करनी होती है अपने स्टाफ मेंबर के साथ, सो दैट कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को समझ सके। जैसे फ्रेशर्स आते हैं, हमें उनके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, खासकर उनको। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन हमें उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है, सो दैट कि वो अपना काम कर सके। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उनसे ये काम कैसे करवाएंगे। द नेक्स्ट है लीडरशिप। तो लीडरशिप में क्या होगा, हर सबॉर्डिनेट का कोई ना कोई लीडर होता है, तो ये लीडर का काम है कि उसने कैसे लीड करना है, मतलब कैसे इन्फ्लुएंस करना है दूसरों को कि वो काम करे। तो मेन पर्पस डायरेक्टिंग का यही है कि हमने अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करना है, उसको मोटिवेट करना है, सो दैट कि वो अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ
कर सकें। द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसी प्लानिंग होती है वैसे ही कंट्रोलिंग का काम भी होता है। हमने क्या करना है कि कंट्रोलिंग करनी है कि जो हमने गोल्स दिए हैं क्या उसी के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं उसके हिसाब से काम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो हमारी एक्चुअल रिजल्ट्स हैं क्या वो हमारे डिज़ायर रिजल्ट्स के हिसाब से हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं क्या वो करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट। तो ओवरऑल सेंस यही निकल रहा है कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करके प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, कंट्रोलिंग का, डायरेक्टिंग का हम डिसीजन ही ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि MIS हमें हमारे मैनेजर्स को डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट वी हैव अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। MIS मैनेजमेंट ओरिएंटेड, दैट मीन्स कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो ये हमारी मैनेजमेंट के हिसाब से ही होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करती होनी चाहिए सो दैट कि हम इजीली डिसीजन ले सकें। देन नेक्स्ट वी हैव अ मैनेजमेंट डायरेक्टिव। मैनेजमेंट डायरेक्टेड होनी चाहिए बिकॉज मैनेजमेंट ही है जिसको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सो दैट कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बता सकें कि हमें क्या चाहिए। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड में क्या है कि बहुत सारे सब सिस्टम आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, एक की इनपुट उसकी आउटपुट दूसरे की इनपुट और दूसरे की आउटपुट नेक्स्ट की इनपुट, तो ये एक साइकिल में वर्क करेगा सो दैट कि इंफॉर्मेशन आपकी सर्कुलेट होती जाए एक सब सिस्टम से दूसरे सब सिस्टम में और वो आपस में कनेक्टेड भी रहे, कम्युनिकेशन भी करते रहे और हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। द नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। जो MIS हैं वो हमें सिर्फ पास्ट की इंफॉर्मेशन ना दे, उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो हमें फ्यूचर के बारे में बता सके कि फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना लॉस हो सकता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज हैवी प्लानिंग एलिमेंट। MIS एक हैवी प्लानिंग एलिमेंट है, ये एक दो दिन का काम नहीं है। इसको बेसिकली MIS मैनेजमेंट जो है वो 3 से 5 साल का टाइम लेती है। ये नहीं कि आपने आज मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया तो आपको इजीली वो चीज़ आ जाएगी, नहीं, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। द नेक्स्ट इज सब सिस्टम कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि सपोज आपके किसी सब सिस्टम में प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है या आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है, आपने 180 यूनिट्स का की प्रोडक्शन करनी थी लेकिन क्या हुआ आपके पास हुई सिर्फ 150 की प्रोडक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए जो 30% है वो प्रोडक्शन कहाँ गई। तो उसके लिए आपको, आप देखोगे कि किस सिस्टम में प्रॉब्लम है, अगर सब सिस्टम बने होंगे तो आपको जल्दी आप उस एरर को पकड़ लोगे कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर MIS में सब सिस्टम का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज कॉमन डेटाबेस। MIS में कॉमन डेटाबेस का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब MIS में सब सिस्टम काम करते हैं तो वो एक सब सिस्टम का काम दूसरे सिस्टम को पास होता है, तो अगर उसके पास किए गए डेटा में कोई चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस हर जगह रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे वो डेटा कुछ और है और दूसरी जगह पे कुछ और है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन डेटाबेस का होना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज। MIS कंप्यूटराइज होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे MIS की इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कंप्यूटराइज सिस्टम बने ही इसीलिए थे क्योंकि जो काम करने को हमें मंथ लगते हैं, ईयर लगते हैं, उनको हम कुछ ही सेकेंड्स में या कुछ ही मिनटों में कर लेते हैं। सो एक MIS का कंप्यूटराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट होगी सो दैट कि हमारी जो डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ सके।
देन नेक्स्ट इज यूजर फ्रेंडली और फ्लेक्सिबिलिटी. एमआई शुड बी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ये नहीं कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो वो उसको अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा, या कुछ ऐसा आया जिसको वो ले ही नहीं पा रहा. सो वो यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए, ईजिली उसको हम ऑपरेट कर सकें. अगर कोई ले पर्सन है तो उसको ईजिली ऑपरेट करना आना चाहिए. इंफॉर्मेशन एज अ रिसोर्स, इंफॉर्मेशन मेन पार्ट है आपके एमआईएस का. विदाउट इंफॉर्मेशन हम एमआईएस पे वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज अगर इंफॉर्मेशन होगी तो डेटा सर्कुलेट होगा और जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. बेसिकली डेटा को प्रोसेस करके ही हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन ही आगे किसी और सब सिस्टम का डेटा बन के पास होती है, जो हेल्प करती है उन्हें डिसीजन लेने में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने. सो एट द एंड मैं यही कहूँगी कि MIS एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट कि सही टाइम पे सही तरीके की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाए और काम को इस तरीके से किया जाए कि कम से कम उसकी कॉस्ट आए और ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं या बॉस हैं वो डिसीजन अच्छे से ले सकें, सो दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या वो चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो उसको अचीव कर सकें. थैंक यू.